बोरियत में खाते हैं। रात के 12 जब बज जाते हैं और हम जाग रहे होते हैं और हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उससे हम बोर होते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं यार फ्रिज में क्या पड़ा है, हम उस टाइम ऑर्डर करते हैं। तो ये बोरियत वाला खाना भी है। तो डॉक्टर साहब ये ओवर ईटिंग और ये जो एडिक्शन अब हमारे अंदर आ चुकी है, तो किस तरह से हम स्टॉप कर सकते हैं? पहले अपने आप को एक चीज समझिए, वेंट आउट, कोई नई चीज लर्न करो। ये डोपामीन एक केमिकल है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जो ड्रग्स लोग इस्तेमाल करते हैं नशा, उसमें डोपामीन रिलीज होती है, सेरोटोनिन होती है, आपको खुशी महसूस कराती है। जी जी, कुछ और चीजें भी हैं जो खुशी महसूस कराती हैं, जो खुशी की फीलिंग आप देखते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं जुए से जान नहीं छुड़ा सकते, एडिक्शन है। तो जो जुए में या नशे में जो खुशी है ना, सेम वही खुशी तब आपको महसूस होती है जब आप नई जुबान सीखते हैं, किसी डिफरेंट जुबान में आप कुछ बोलना सीखते हैं, जब आप कोई नई स्किल लर्न करते हैं जो किसी को नहीं आती, एटलीस्ट आपके आसपास के लोगों को नहीं आती, आप कुछ अच्छा ऐसा करते हैं जिससे कोई खुश हो या किसी उस बंदे का फायदा हो जो आपको वापस पे बैक नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी उतनी ही खुशी देती है और कुछ जेन्युइन खुशियां देती हैं ये वाली। हम इसके लेकिन उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, ऐसा कल्चर में चेंज होना है। लोगों को, यूथ को गाइडेंस नहीं है, लोगों को ये भी नहीं पता ये एक बुरी चीज है। माएं बच्चों को कह रही है ठीक है बेटा तुम ऑर्डर कर लो और ये खा लो, वो समझती है मुझे अच्छा कर अच्छा रहे हैं, क्योंकि हम पे बचपन में कहा गया था कि बाहर का खाना नहीं खाना, हम बड़े कूल पेरेंट्स हैं, हम कूल पेरेंट्स नहीं है, इसलिए फैट बेबीज पैदा हो रहे हैं। Exactly. 7 साल के बच्चे को पित्ते की पथरियां बकर जैसे शहर के अंदर आ रही होती है, 7 साल के बच्चों के अंदर दर्दें उनको हो रही होती है, हम सोचते हैं ऑपरेट करें या माँ बाप को बताते हैं, वो कहते हैं हाई डॉक्टर साहब ये तो बड़ों की बीमारी है बच्चे में कैसे आ गया। तो दिस इज अ ट्रेंड जो कि चेंज हो रहा है।